दोस्तों, क्या आपकी भी अटल सेवा पेंशन योजना होती है जो महीने की जो 60 साल के बाद 1,000 रुपया या 2,000 रुपया जो जितनी भी पैसे होती है उस पैसे शुरू होने के लिए आपके महीने में अकाउंट में से पैसे कटते हैं हर महीने आपको। जो कम उम्र है तो आपकी लगभग 42 रुपये पर मंथ, और ज़्यादा उम्र है आपकी जैसे तो वो आपके लगभग 500 से 600 रुपये आपकी जो 5,000 पेंशन के लिए जो आपके अकाउंट से बैंक में जो अपने आप हर महीने कट हो जाते हैं। तो इस बार लगातार लगभग कोविड के कारण 10 महीनों के साथ में ही ये कट हो रहा है, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो वो अभी अटल पेंशन योजना है वो अभी बंद करवाना चाहते हैं। तो आपको ये योजना कैसे क्लोज करवानी है, उसकी अप्लीकेशन और फॉर्म कैसे डाउनलोड करना, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये फॉर्म है इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको आप मेरे वीडियो के कमेंट कर देना, मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूंगा। तो दोस्तों, ये आप यदि आप बैंक में जाते हैं तो ज़्यादातर बैंक आपको यही बोल देते हैं कि आपका ये जो अभी चालू हुआ है अटल पेंशन योजना, ये अभी आप बंद नहीं करवा सकते। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार का बोला हुआ है कि ये आप योजना बंद कभी भी शायद करवा सकते हैं। एक तो बंद करवा सकते हैं और एक अभी थोड़े टाइम के लिए बंद करवा सकते हैं, उसके लिए अलग फॉर्म आता है। और आप एकदम बंद करवाएंगे तो आपका जितना भी जो पैसा आपने भरा था और उसके साथ जो आपका जो इसका ब्याज होगा मतलब इंटरेस्ट होगा, उसके साथ आपको सरकार आपके जो अकाउंट नंबर भरेंगे उस अकाउंट में आपके लगभग 7 से 15 दिनों के अंदर आपका जो पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इसके दिनों में भी आपका अकाउंट में पेमेंट नहीं आए तो इसका मतलब आपके बैंक वाले हैं वो इसको बंद नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ओनली फॉर्म के अंदर भी रख लेते हैं। और वो आपको अप्लीकेशन लिखने का बोलेंगे तो अप्लीकेशन लिखनी है तो भी आप इसी तरह अप्लीकेशन लिख सकते हैं साफ पेपर में। अप्लीकेशन से ऐसा आपका ये फॉर्म रहेगा जो आप फॉर्म डाउनलोड करके PDF और वो सारी जानकारी भर के आप बैंक में जमा करा दे और आपका 7 से 15 दिनों के बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपका जो ये योजना है ये बंद हो जाएगी। और ये योजना यदि आप थोड़े समय के लिए बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग भी आता है और इसमें भी ऑप्शन आता है। और उसमें यदि आप कोई एकदम हाथों हाथ पूरा पैसा उठाना चाहते हो और उसका जो योजना का लाभ है वो भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक जो कोई भी जो इलनेस प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा भाई किडनी ख़राब है और मेरी पक्की इसमें जो डेट भी हो सकती है, तो इससे संबंधित आप कोई भी जो इसमें प्रॉब्लम डालेंगे तो आपको पूरा पेमेंट भी मिल जाएगा और उसके साथ वो सरकार का जो फ़ायदा है अटल पेंशन योजना का उसका भी फ़ायदा मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। तो इसमें सबसे पहले आपका ब्रांच है, ब्रांच कौन सी है, उसके बाद जो पूरा एड्रेस देना है कि कहाँ पे इसका बेड एड्रेस, जैसे पुणे में है तो पुणे लिख दिया। उसके बाद यदि आप सारे सर पे क्लिक करना या मेंड मेंड पे क्लिक करना, उसके बाद आप प्राण जो अप्लीकेशन भरा था फॉर्म उस पर नंबर लिखे हुए परमानेंट जो नंबर होते हैं वो आपको जो नंबर वो उधर डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखना है। उसके बाद जो अकाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ कॉस्ट पेंशन वेल्थ सेविंग अकाउंट है उसका जो अभी पेंशन में जिसमें चालू किया हुआ है उसका जो नंबर डालना है। उसके बाद यदि प्रॉब्लम क्या बतानी है, यहाँ पे नो टेबल टू पे मतलब मैं भाई इस जो आपकी किस्त आती है महीने की ये मैं नहीं भर सकता हूँ तो इस पर क्लिक करना है, इसके लिए बंद करवा रहे। या फिर आपको मतलब अर्जेंट पैसे चाहिए, जैसे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो गई, जैसे भाई मेरे को अर्जेंट प्रॉब्लम है भाई कोई भी ऑपरेशन करवाना है उसके लिए, तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद अदर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो थंब है उनका जो अंगूठा है या फिर सिग्नेचर यहाँ पे लिखना है, ऊपर डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है नेम और सब्सक्राइबर अपना नाम लिखना है और वापस यहाँ पे नंबर लिखने हैं। तो यदि बैंक वाला एप्लीकेशन फॉर्म लेगा तो वो अपने यहाँ पर जमा कर देगा और बाद में वापस ये आपको क्लोज होगी तो ये इतना पूरा कट के आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पर कोऑपरेटिव सेविंग अकाउंट बैंक नंबर यहाँ पे लिखना है, जिस बैंक में आप ये पैसा डालने चाहते हैं उस बैंक का नाम लिखना है, बैंक ब्रांच लिखना है। उसके बाद रिसीविंग ऑफिसर नेम लिखना है कि आपके कौन से ऑफिसर प्राप्त करते हैं और उसके बाद डेट ऑफ रसीद लिखना है, यहाँ पे वो स्टाम्प है और सिग्नेचर ऑफ द बैंक, बैंक के सिग्नेचर या स्टम्पर कोई भी हो डाल के आपको दे देगा। तो दोस्तों, ये अप्लीकेशन आप दे देंगे तो आपका लगभग
सात से 15 दिनों के अंदर अंदर बंद होना चाहिए। बंद नहीं होता है तो वापस जाकर आप बैंक में इंक्वायरी कीजिए, और ये योजना वापस बंद होती हैं। कोई बैंक वाले बोलते भाई ये बंद नहीं होती है, तो ऐसे कोई नहीं है, आपका बैंक वाला है वो वापस बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये योजना वापस बंद करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।